स्टूडेंट, अब हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे ये लास्ट इसका चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक है और वो है इम्यूनिटी। तो देखें इम्यूनिटी होती क्या है, हमारा मुदाफियत और इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा मुदाफियती निज़ाम। सबसे पहले तो देखो ये इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी को कहा जा रहा है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिजिस्ट पैथोजिन दियर टॉक्सिन फॉरन सेल्स एबनॉर्मल बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है, हमारी बॉडी की वो सलाहियत जिसकी वजह से हम पैथोजिन को रिजिस्ट करते हैं। देखो जब हम पानी पीते हैं पता नहीं कितने पैथोजिन या जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं, लेकिन हम बीमार तो नहीं होते। हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी रिजिस्ट करती है, हमारी बॉडी उससे लड़ती है। तो हमारी बॉडी का ये जो पैथोजिन से लड़ना है ये क्या है, ये हमारी इम्यूनिटी है। या वो पैथोजिन कुछ टॉक्सिन भी सिक्रीट करते हैं, जो पैथोजिन आपकी बॉडी में जाते हैं वो टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, उससे जो हमारी बॉडी लड़ती है जो उसको रिस्पॉन्स देती है वो भी क्या है, वो भी इम्यूनिटी है। आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सेल चला जाए, कोई बाहर से कोई सेल हो, यानी किसी और की बॉडी के सेल मेरी बॉडी में चले जाए तब भी हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देगा, तो वो भी इम्यूनिटी है। हमारी बॉडी के जो एबनॉर्मल बॉडी सेल होते हैं, यानी जैसे कुछ सेल हमारे कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको भी हमारी बॉडी हमारा जो है वो बॉडी रिजिस्ट करती है। तो ये सारी हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है या हमारी बॉडी की एबिलिटी है जो रिजिस्ट करती है पैथोजिन को, जो रिजिस्ट करती है उन टॉक्सिन को जो पैथोजिन रिलीज करते हैं, या फॉरेन सेल बाहर से कोई भी सेल हमारी बॉडी में दाखिल हो, या हमारी बॉडी के सेल एबनॉर्मल हो जाएं, इनसे हमारी बॉडी जो फाइट करती है, फाइट करने की जो एबिलिटी है इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी को जो मेंटेन करने वाला ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, दो तरह का इम्यून सिस्टम होता है, एक इननेट इम्यून सिस्टम होता है और एक एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम होता है। अच्छा इननेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, इनबोर्न होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है। देखो इननेट इम्यून सिस्टम के अंदर आ जाती है एक तो हमारी स्किन, जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप पता है कि हमारी जो स्किन है ये भी तो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, यानी स्किन जो है वो बाहर से किसी जर्म को अंदर दाखिल होने नहीं देती और ये स्किन पैदाइशी होती है, तो इसका मतलब ये स्किन कौन सा वाला इम्यून सिस्टम है, ये भी इननेट इम्यून सिस्टम है। हमारे WBCs कुछ होते हैं वो भी हमारी बॉडी में पैदाइशी होते हैं, तो वो भी कौन सा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, इननेट इम्यून सिस्टम बनाते हैं। और ये जो इननेट इम्यून सिस्टम होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे हमारी ये स्किन है, ना ये बैक्टीरिया को दाखिल होने देगी, ना ये वायरस को दाखिल होने देगी, ना किसी दूसरे पैथोजिन को, यानी ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी सबसे रिजिस्ट करेगी, सबसे रोकेगी, सबसे हर चीज से आपका डिफेंस करेगी, तो ये क्या हो गई, ये नॉन स्पेसिफिक हो गई। इसी तरह कुछ हमारे WBCs होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल होते हैं, कोई भी आप जर्म्स आपकी बॉडी में जाएगा तो उसको खा जाएंगे बगैर तमीज किए हुए के, नॉन स्पेसिफिक है ये। तो ये कौन सा इम्यून सिस्टम होता है, इस इम्यून सिस्टम को हम कहते हैं इननेट इम्यून सिस्टम। फिर एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम पैदाइशी नहीं होता, वक्त के साथ साथ हमारी बॉडी में आता है, एक्वायर्ड करते हैं हम। एक्वायर्ड कैसे करते हैं, कोई खतरनाक किस्म का पैथोजिन आ गया जिससे हमारा इननेट इम्यून सिस्टम नहीं लड़ सका, तो उस स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो पैथोजिन के लिए फिर हमारा एक दूसरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसमें हमारे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, स्पेशल टाइप के WBCs होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये एक्टिव होते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये हर किसी जर्म्स के लिए नहीं होते, ये मखसूस जर्म्स को किल करते हैं। तो इस वजह से ये कौन सा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ये बनाते हैं एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम पैदाइशी नहीं होता, ये वक्त के साथ साथ आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। हो गया क्लियर इननेट और एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम होता क्या है, इननेट और एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। अब आप पहले डिस्कस करेंगे किसको, पहले इननेट इम्यून सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर एडॉप्टिव को। यहां तक की बात क्लियर है, आगे चलूं स्टूडेंट, यहां तक की बात क्लियर है, आगे चलूं? यस सर, चले आगे। अब इननेट इम्यून सिस्टम को पहले डिस्कस करते हैं, बाद में हम एडॉप्टिव को करेंगे। चलो आ जाओ इननेट की तरफ। देखो हमारा जो इननेट इम्यून सिस्टम है ना, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसको मैं दो डिफेंस लाइन में डिवाइड कर सकता हूं, इसकी टू डिफेंस लाइन होती है। एक को कहते हैं फर्स्ट डिफेंस लाइन और एक को कहते हैं सेकंड डिफेंस लाइन, सेकंड डिफेंस लाइन। अब देखो फर्स्ट डिफेंस लाइन में क्या क्या आ जाता है,
फर्स्ट डिफेंस लाइन में सबसे पहले तो आ जाते हैं आपके फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? एक तो आपकी स्किन आ जाती है और एक आ जाता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन। अब देखो फिजिकल बैरियर क्या है, अब मिसाल के तौर पे देखो ये हमारी बॉडी है। अब हमारी इस बॉडी का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सबसे पहले जो आपकी डिफेंस है वो आपकी स्किन कर रही है ना। आपकी स्किन से कोई जर्म्स वगैरह दाखिल नहीं हो पा रहे तो स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ से कोई जर्म बॉडी के अंदर दाखिल होने नहीं दे रही। तो एक तो आपकी ये स्किन हो गई फर्स्ट लाइन डिफेंस। लेकिन ये कौन सा बैरियर होगा, ये इसको हम कहेंगे फिजिकल बैरियर, यानी फिजिकली आपकी बॉडी से में कोई अंदर चीज नहीं आ पा रही। मिसाल के तौर पे ये एक मिसाल के तौर पे ये घर है। अब इस घर के चारों तरफ में क्या करता हूं, इस घर के चारों तरफ ऐसे एक वॉल बना देते हैं। अब कोई इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब ये वॉल किसका काम कर रही है, वॉल फिजिकल बैरियर का काम कर रही है। तो इसी तरीके से हमारी स्किन क्या हो गई, हमारी स्किन हो गई फिजिकल बैरियर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पहली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, वो है फिजिकल बैरियर। और फिजिकल बैरियर में क्या आ गया, एक तो स्किन आ गई। चलो स्किन से तो कोई आपका जर्म दाखिल नहीं हो रहा, लेकिन अब क्या होता है कि आपके माउथ से, ये आपका जो माउथ है, इधर से कोई जर्म आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। ये लो ये जर्म आपकी बॉडी में दाखिल हो रहा है यहाँ से। लेकिन आपके माउथ के अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। कहाँ फंस जाएगा, इस म्यूकस मेम्ब्रेन में फंस जाएगा, यहाँ पर इसके साथ चिपक जाएगा, अंदर दाखिल हो नहीं जाएगा। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन या जो म्यूकस है आपका, ये भी क्या है, ये भी फिजिकल बैरियर है। जैसे इस घर दीवार को फलांग कर कोई अंदर चला गया, मगर मैंने यहाँ किसी ने यहाँ पर क्या बनाया हुआ, अंदर एक थोड़ा सा ऐसे पानी का एक कीचड़ है, चारों तरफ कीचड़ है। अब क्या होगा, अंदर तो कूद गया मगर कीचड़ में फंस गया। अब ये जो कीचड़ है ये भी क्या है, ये भी एक फिजिकल बैरियर, ये दूसरा फिजिकल बैरियर यहाँ पर। और ये भी किस में आ गया, ये भी फिजिकल बैरियर में आ गया। क्लियर हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। पहले लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर आ जाते हैं। फिजिकल बैरियर के बाद जो दूसरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बैरियर आते हैं वो होते हैं केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर, चलो यहां से भी ये बैक्टीरिया जो है, ये यहां से भी उसने कहा कि इस कीचड़ से भी बाहर निकल जाएगा, निकलने इसको तैर सकता है, कीचड़ से तैर के, पानी से तैर के अंदर जा सकता है। लेकिन क्या होगा कि ये जो हमारा म्यूकस होता है, ये हमारे स्टमक तक पहुंच भी गया अगर अंदर, तो क्या होगा, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या हमारे म्यूकस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। अब ये क्या है, ये केमिकल बैरियर है, ये केमिकल इसको किल कर देंगे। अगर वहां से बच भी गया तो ये केमिकल इसको किल कर देंगे, तो ये कौन से वाले बैरियर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे केमिकल बैरियर। पहले फिजिकल बैरियर ने काम कर लिया, अगर फिजिकल बैरियर को भी क्रॉस कर दाखिल हो ही गया तो फिर आपके दूसरे वाले बैरियर है जिनको हम क्या कह रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर इसको रोकेंगे। अच्छा केमिकल बैरियर के बाद क्या होता है कि अगर ये से फॉर एग्जाम्पल ये आपका यहां से स्किन है, अब आप इसको याली बैरियर को, तो उसने क्या किया, आपकी स्किन यहाँ से कट गई, यहाँ से स्किन देखो यहाँ से क्या हो गई, स्किन कट गई, ये स्किन यहाँ से कट गई और अंदर आपकी क्या है, ये ब्लड वेसल है, खून की नाली जा रही है। अब फिजिकल बैरियर जो है वो यहाँ पर, फिजिकल बैरियर जो है वो काम नहीं आया। अब यहाँ से जब ये कट गया, अब यहाँ से तो बैक्टीरिया अंदर दाखिल हो जाएगा, ये फिजिकल बैरियर से यहाँ से बैक्टीरिया कहाँ दाखिल हो गई, ये अंदर, और म्यूकस मेम्ब्रेन तो आया नहीं, फिजिकल बैरियर को ब्रेक डाउन हो गई, तो ये बैक्टीरिया कहाँ दाखिल हो गया, अंदर, और अंदर जाकर ये कहाँ चला गया, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया, ये चला गया। फिजिकल बैरियर को भी क्रॉस कर दिया, केमिकल बैरियर को भी क्रॉस करके कहाँ चला गया, डायरेक्ट आपकी ब्लड वेसल में चला गया। अब क्या काम करेगा, अब आपके जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी यहाँ पर क्या हो गई, खत्म हो गई। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में तो बस दो ही थे,
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एक तो जो क्या था, एक तो था फिजिकल बैरियर और एक केमिकल बैरियर। अब ये दोनों तो काम नहीं कर पाए, अब स्टार्ट हो जाएगी इननेट इम्यून सिस्टम की कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहला जो बैरियर है वो है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में आ जाते हैं हमारे कुछ WBCs, व्हाइट ब्लड कॉर्पर सेल्स। और कौन कौन से WBCs होते हैं जो हमारा ये सेलुलर बैरियर का काम करते हैं? एक तो होते हैं न्यूट्रोफिल, एक होते हैं मैक्रोफेज, एक मैक्रोफेज होते हैं, एक को कहते हैं NKC, नेचुरल किलर सेल। ये अब सारे के सारे सेल हैं। अब न्यूट्रोफिल जो है ये क्या है, ये भी फेगोसाइटिक है, यानी ये जर्म्स को खाकर खत्म करेंगे। मैक्रोफेज भी फेगोसाइटिक हैं, लेकिन जो नेचुरल किलर सेल हैं ये साइटोटॉक्सिक। अभी समझाता हूँ आपको, पहले थोड़ा सा समझ लो। ये अब इधर देखो, अब मेरी बात, अभी आगे जो मैं बात बता रहा हूँ इसको गौर से सुन। चलो इसको थोड़ा सा एक दफा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। दोबारा आपको इन तमाम सेल्स के अब काम अच्छी तरह समझ लो, ये कैसे काम करते हैं। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो है वो ब्लड वेसल है। चलो ये हमारी ब्लड, सिर्फ ब्लड वेसल ही बना रहा हूँ, स्किन नहीं बना रहा हूँ, ये ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल, अब हमारी इस ब्लड वेसल में बैक्टीरिया आ गए। और बैक्टीरिया को क्योंकि ब्लड के अंदर फूड अच्छा खासा मिल रहा होता है, तो ये डिवाइड भी होना शुरू हो जाते हैं, अपनी ग्रोथ भी करते हैं। सही, ग्रोथ करेंगे, चलेंगे अपनी ग्रोथ करने, मगर ये क्या करते हैं, टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं। और वो टॉक्सिन हमें बीमार भी करता है, पायरोजिन रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी में फीवर काज करता है। और ये हमारी बॉडी के बीच अपने सेल्स हैं। अब क्या होता है, अब एक बात याद रखो यहाँ पर, ये आपको आगे भी जो है वो ये टर्म अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती, आगे लिखी हुई है MHC, मेजर हिस्टो कॉम्प्लेक्स क्लास वन। हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनपे खास किस्म के ऐसे प्रोटीन लगे हुए होते हैं, इन प्रोटीन को हम कहते हैं MHC क्लास 1। ये एक तरीके से जैसे किसी के ऊपर नेम का टैग लगा हुआ हो, जैसे नेम्स का टैग लगा होता है ना किसी के पास, मिसाल के तौर पे किसी का नाम आमिर है तो उसका टैग लगा हुआ है ये आमिर है, या किसी का नाम जो है वो नवेद है तो उसके ऊपर टैग लगा हुआ हो ये नवेद है, वो एक टैग लगा हुआ होता है। तो ऐसे, या किसी स्कूल का टैग आपके पास लगा हुआ है, ये अल कासिम स्कूल है तो उसका बच्चा है तो ये टैग लगा हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे अपने जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनपे ऐसे टैग लगे हुए होते हैं, नेम प्लेट्स, नेम प्लेट समझ लो, नेम प्लेट लगी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये मैं अपनी बात करूं कि ये मेरे ही बॉडी के सेल्स हैं, तो मेरे बॉडी के सेल्स के ऊपर से फॉर एग्जाम्पल शबाब नाम का ये एक नेम प्लेट लगी हुई है। अब क्या होगा, ये जब WBCs दाखिल होंगे तो हमारी बॉडी के एक क्या कहना चाहिए, ये जब बैक्टीरिया दाखिल होंगे तो हमारी हमारी एक WBCs होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल क्या कर रहे होते हैं, ये हमारे ब्लड में ऐसे ना गश्त कर रहे होते हैं, घूमते होते हैं ब्लड ऐसे। अब ये क्या करते हैं, देखते रहते हैं। अब ये हमारी इवन के हमारे यहाँ टिश्यूज की तरफ भी यहाँ जाएंगे, ये देखेंगे कि इस सेल्स के ऊपर तो शबाब नाम का टैग लगा हुआ है, नेम प्लेट है, तो इस सेल को तो छोड़ देंगे, कहेंगे ये अपना सेल है। इस पे देखेंगे, इस पर भी ये टैग लगा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, ये अपना सेल है। यानी जिसके ऊपर मेरी बॉडी के MHC मेजर हिस्टो कॉम्प्लेक्स क्लास वन का जो टैग लगा हुआ है ना, जिसके ऊपर नेम प्लेट लगी हुई है, उसको तो छोड़ देंगे, इनको पता होगा ये अपने बॉडी के सेल्स हैं, इनको कुछ नहीं कहना। फिर क्या होगा, जो बाहर से कोई सेल आएगा तो उसके ऊपर ये टैग लगा हुआ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई दूसरे एंटीजिन होंगे। जब कोई दूसरे एंटीजिन लगे हुए होंगे ना ऐसे, अब ये क्या करेंगे, इन सेल्स को खा जाएंगे, ये क्या करेंगे, इसको फेगोसाइट्स करेंगे, ये बाहर वाले सेल्स को क्या करेंगे, खा जाएंगे। अब बाहर वाले सेल क्या रिलीज करते हैं, ये टॉक्सिक रिलीज करते हैं और ये इनको साथ साथ खा रहे होते हैं। लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज्यादा देर नहीं रहते, ये होते बॉडी में बहुत ज्यादा, ये ज्यादा तादाद के अंदर होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया को जब खा लेते हैं तो ये खाकर बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं। और यही वजह होती है कभी कभी हमें पिंपल्स होते हैं या हमें कोई जख्म हो जाता है तो वहां पर एक पस पड़ जाती है, और ये व्हाइट व्हाइट कलर का मटेरियल, तो वहां उस पस के अंदर ये डेड जो है वो न्यूट्रोफिल ही मौजूद होते हैं, जो डेड हो जाते हैं, यानी बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं
और खुद भी जो है वो डेड हो जाते हैं उस जगह पर। तो ये काम किसका होता है? ये होता है न्यूट्रोफिल्स का। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कुछ जो होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं ये बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर ब्लड से निकल के बॉडी के टिश्यूज में चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर जो है वो बैठ जाते हैं। अब उसकी जगह पर एक दूसरे किस्म के जो है वो क्या कहना चाहिए कि WBCs आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करते हैं, मोनोसाइट बनाते हैं मैक्रोफेज। फिर ये मैक्रोफेज थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, ऐसे मैक्रोफेज थोड़े बड़े साइज के होते हैं, ये 4-5 बैक्टीरिया को एक साथ खा जाते हैं। ये मैक्रोफेज फिर जाते हैं बॉडी के टिश्यूज के अंदर, और बॉडी के टिश्यूज के अंदर जाकर ये मैक्रोफेज क्या करते हैं, ये अंदर जो बॉडी के टिश्यूज के अंदर बैक्टीरिया जाकर छुप कर बैठे हैं उनको भी क्या करते हैं, उनको भी खा जाते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज दोनों फेगोसाइटिक्स का काम कर रहे हैं, खा जाते हैं दोनों बैक उसको, एक बॉडी के टिश्यूज के अंदर जाकर खा रहा है और एक ब्लड सेल्स के ब्लड के अंदर जाकर खा रहा है। ये न्यूट्रोफिल थोड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं और मैक्रोफेज साइज में भी छोटे होते हैं, मैक्रोफेज थोड़ा लॉन्ग लिव्ड है। मैक्रोफेज को एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं, ये अभी बाद में बताऊंगा मैक्रोफेज को एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल क्यों कहते हैं। अब नेचुरल किलर सेल का काम भी जो है वो थोड़ा सा देख लो। अब नेचुरल किलर सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, अब मिसाल के तौर पे से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ उसको फिर बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे देखो क्या होता है कि ये आपके बॉडी के अपने सेल्स हैं, ये बॉडी के सेल जो हैं वो क्या हो गए, ये इन्फेक्टेड हो गए, ये बॉडी के सेल इन्फेक्टेड हो गए, इनके अंदर बैक्टीरिया अंदर चला गया, इन्फेक्टेड हो गया। अब क्या होगा, अब आते हैं नेचुरल किलर सेल या वायरस, कोई इसके अंदर वायरस चला गया, वायरस से हमारे ये सेल क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। ये नेचुरल किलर सेल क्या है, ये आते हैं इसके करीब, ऐसे नेचुरल किलर सेल आए। अब ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन या टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और वो टॉक्सिन क्या करता है, इन सेल्स में छोटे छोटे पोर्स कर देता है, जिसकी वजह से ये सेल क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इसने नेचुरल किलर सेल, याद रखिएगा, नेचुरल किलर सेल ने सेल्स को खाया नहीं है ना, बैक्टीरिया पैथोजिन को नहीं खाया, लेकिन जो हमारे वायरल इन्फेक्टेड सेल होते हैं, जो वायरस हमारे सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, ये जाकर उन इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर देते हैं, क्योंकि अब ये इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं इनमें से वायरस आगे वाले सेल को भी खराब कर सकते हैं। तो इस वजह से ये टॉक्सिक रिलीज कर कर या ऐसे कुछ प्रोटीन रिलीज कर कर इन सेल्स को किल कर देते हैं। इनका किल करने का जो तरीका है इसको कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। न्यूट्रोफिल का जो किल करने का तरीका है इसको फेगोसाइटिक एक्टिविटी कहेंगे, मैक्रोफेज जो किल करता है इसको फेगोसाइटिक एक्टिविटी कहेंगे, और जो नेचुरल किलर सेल किल करते हैं इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साइटोटॉक्सिसिटी। सेलुलर बैरियर समझ आया? सेलुलर बैरियर एक होता है जो सेल किल कर रहे होते हैं हमारी डिफेंस लाइन के अंदर। अब एक और देख लेते हैं बैरियर, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पहला सेलुलर बैरियर आ गया। अब इसको मैं थोड़ा इरेज करके फिर एक और चीज बताता हूँ कि सेलुलर बैरियर के अलावा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में और कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे एक और आ जाते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, यानी सेल। अब वहां तो हमने सेलुलर बैरियर में तो सेल्स की बात करी, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर, ये तो सेल थे जो आपके क्या कहना चाहिए डिफेंस कर रहे थे। अब कुछ होते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, यानी कुछ प्रोटीन होते हैं जो माइक्रोब्स को या पैथोजिन को किल करने का, या बॉडी के अपने जो सेल जो प्रोटीन से इन्फेक्टेड हो चुके, जो इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। सबसे पहले तो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन के अंदर लाइजोजाइम आ जाता है। लाइजोजाइम फर्स्ट लाइन और डिफेंस में केमिकल बैरियर का भी काम कर रहा था, क्योंकि ये एक प्रोटीन है, और ये कहाँ पर होता है, ये हमारे सलाइवा में होता है, हमारी टेयर्स में होता है, हमारे म्यूकस में होता है, और ये क्या करता है, डायरेक्ट लाइसिस कास करता है किसकी, सेल, बैक्टीरिया के सेल की, क्योंकि लाइजोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देता है तो बैक्टीरिया की वैसे ही लाइसिस हो जाती है। एक एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन में एक तो लाइजोजाइम आ गया, दूसरा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन जो होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो बेसिकली क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का है ये कीमो अट्रैक्टेंट फॉर मैक्रोफेज। अब मिसाल के तौर पे कोई पैथोजिन जो है वो
कोई पैथोजिन यहां पर आकर क्या हो गया, यहां पर आकर छुप गया। अब यहां पर क्या रिलीज होंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन रिलीज होंगे। ये रिलीज हो गए कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सॉरी। अब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करेंगे, ये केमिकल सिक्रीट करेंगे और वो केमिकल किसको अट्रैक्ट करेंगे, मैक्रोफेज को यहां पर अट्रैक्ट करेंगे कि मैक्रोफेज इधर आए और आकर क्या करे, आकर इन बैक्टीरिया को जो है वो आकर खा जाए। तो ये केमिकल सिक्रीट करते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं मैक्रोफेज को इनडायरेक्टली, मतलब ये मैक्रोफेज ही को एक्टिव कर रहे हैं ओके, वो आकर इसको क्या करें, खा जाएं। फिर एक और जो है वो प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक प्रोटीन होता है और इंटरफेरॉन प्रोटीन कौन सिक्रीट करता है, इट इज सिक्रीटेड बाय वायरली इंफेक्टेड सेल्स, यानी वो सेल्स हमारे बॉडी के जिनपे वायरस इन्फेक्ट कर जाता है। अब ये वायरस इन सेल में दाखिल हो गया, अब ये सेल क्या करेंगे, एक इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं एक प्रोटीन, और ये इंटरफेरॉन क्या करता है, दूसरे सेल को जाकर मैसेज देता है कि वायरस दाखिल हो चुका है और अब ये भी अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि वायरस इसके अंदर तो दाखिल हो गया है इस सेल में, अब इन सेल को भी वायरस नुकसान पहुंचाने के लिए आ सकता है। तो ये इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं जो आगे चलकर क्या कहते हैं, दूसरे सेल्स को भी जो है वो क्या करता है, एक्टिव करता है कि वो जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो तीन किस्म के एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन का नाम आपकी बुक में दिया हुआ है। लाइजोजाइम, ये बैक्टीरिया की लाइसिस कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं, ये मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करते हैं कि वहां पर आकर पैथोजिन को खा जाए। एक इंटरफेरॉन होते हैं, इंटरफेरॉन कौन सिक्रीट करता है, वायरली इन्फेक्टेड सेल ही सिक्रीट करते हैं जब वो उनको वायरस क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। तो ये हो गया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में दूसरा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में और कौन सी चीजें आ जाती हैं, इधर देखो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, चलो मैं दूसरे उस पर आ जाता हूँ पेज पर, इस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में यहां लिख देता हूँ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पहली पहली चीज क्या थी, सेलुलर बैरियर था, दूसरा क्या था, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन था। सही, ये तो हो गए थे एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन भी मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद जो एक होता है इसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन, एक इन्फ्लामेशन भी इसमें आ जाता है, एक फीवर भी इसमें आ जाता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, अब इन्फ्लामेशन में अगर आपको बताऊं तो ये देखो वही जब मैंने आपको बताया था ना कि कहीं से जब हमारा किसी जगह पे हमें कट लग जाता है, ये हमारी स्किन पर यहाँ से क्या लग गया, कट लग गया। जैसे ही हमारी स्किन पर यहाँ पर कट लगा, ये इधर से मैं ब्लड वेसल भी बना देता हूँ, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल। जैसे यहां पर कट लगता है तो यहां से पैथोजिन हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं। अब जैसे ही पैथोजिन हमारे यहाँ पर दाखिल होते हैं तो जब जिस जगह पर आपके कट लगा हुआ है वहां से आपके पास यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मास सेल्स, एजिनोफिल्स होते हैं, या इधर कुछ मास सेल होते हैं, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टामिन। केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स की परमियबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जब ब्लड वेसल्स की परमियबिलिटी बढ़ती है तो ब्लड वेसल से जो है वो मैक्रोफेज निकल के यहाँ जमा हो जाते हैं इधर मैक्रोफेज, और वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया दाखिल हो रहे हैं यहीं पर ही बैक्टीरिया को खाकर खत्म कर देते हैं, और इस जगह पर क्या पड़ जाता है, इस जगह पे पस पड़ जाता है और यहाँ पर थोड़ी सूजन आ जाती है, और उसी सूजन को हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। जिस जगह पर थोड़ी रेडनेस हो जाती है, थोड़ी हीट जलन महसूस होती है, तो वो जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में याद रखिएगा मास सेल्स हो गए या कुछ एजिनोफिल्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं क्या चीज, हिस्टामिन रिलीज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ये बात याद रखिएगा, हमारी जो वेसल्स होती है उनकी परमियबिलिटी को जो बढ़ा देते हैं वो कौन बढ़ाते हैं, हिस्टामिन। और क्यों बढ़ाते हैं, ताकि वहां से मैक्रोफेज निकल के इस जगह पर, इस साइट ऑफ अटैक पर आ जाए जहां से बैक्टीरिया दाखिल हो रहे हैं, उनको वहीं पर खाकर क्या करें, खत्म कर दें। और जब ये सब बैक्टीरिया या न्यूट्रोफिल ये डेड हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या पड़ जाती है, पस पड़ जाती है। तो पस जो पड़ती है वो किसके नतीजे में पड़ती है, इन्फ्लामेशन के नतीजे में। मगर अगर कोई बैक्टीरिया इस इन्फ्लामेशन से बचकर, इन्फ्लामेशन से बच के भी यहाँ दाखिल हो जाए ब्लड वेसल में, अब क्या करेगा, इस बैक्टीरिया से रिलीज होगा एक केमिकल जिसको हम पायरोजिन कहते हैं,
और हमारे WBCs भी यही केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम कहेंगे पायरोजिन। और ये पायरोजिन क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं फीवर। और माइल्ड फीवर जो होता है, हल्का बुखार जो होता है, वो अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उस पर ये बैक्टीरिया बेहतर काम नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको बताई आपकी इन्नेट इम्यून सिस्टम। ये इन्नेट इम्यून सिस्टम, ये सारा सिस्टम जो मैंने बताया, ये पैदाइशी होता है। यहां तक समझ में आ गई बात? ये हो गया सारा का सारा इन्नेट इम्यून सिस्टम। अब आ जाते हैं कौन से वाले इम्यून सिस्टम की तरफ, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम की तरफ। सही है। अब एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम की तरफ मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में जो लाइन ऑफ डिफेंस काम करती है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ डिफेंस है जिसको हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। पहले थोड़ा सा आपकी बुक की चीजें बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसको पूरा समझाता हूँ कि ये होता किस तरीके से। पहले आपको बुक का थोड़ा सा बता दूं कि ये इसको हम कह रहे हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये ऐसे बैक्टीरिया और वायरस या ऐसे सिस्टम, ऐसी चीजों के लिए होगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये स्पेशल फोर्स है। अब ये वाली जो थी आपको वो लोकल फोर्स थी, अब ये स्पेशल फोर्स है, ये उस उन बैक्टीरिया उन वायरसेस के लिए काम करेगी जो आपकी फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से बचकर आ गए। और एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में दो किस्म की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। चलो इसके पहले थोड़े से एक दो पॉइंट नोट कर लो ताकि फिर जो है मैं आपको इसको डिटेल में बता दूं। सबसे पहले कुछ बातें आपने याद रखनी है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी करते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या है, स्पेशल टाइप के ये सेल्स हैं। ये बोन मैरो में बनते हैं और बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं, इनको कह रहे हैं बी लिम्फोसाइट। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये कौन काज करवाते हैं, ये करवाते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये बोन मैरो में बनते हैं लेकिन जो मैच्योर होते हैं वो थायमस में होते हैं, इनको कह रहे हैं टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट जो है ये ज्यादातर किसके लिए होता है, ये होता है ज्यादातर ये ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है बी लिम्फोसाइट कराते हैं, और ये ज्यादातर बैक्टीरियल इन्वेजन के लिए होती है, यानी बैक्टीरिया के लिए ज्यादातर होती है, बैक्टीरियल इन्वेजन यानी बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं। और बी लिम्फोसाइट डायरेक्ट काम नहीं करते, ये क्या बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं और एंटीबॉडीज आकर काम करती हैं। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है ये ज्यादातर पर्टिकुलरली किसके लिए होती है, वायरल इन्फेक्शन के लिए, वायरस के लिए होती है। और हमारे या जो ऐसे पैथोजिन होते हैं जो हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज में, या हमारी बॉडी के जो ट्यूमर सेल्स होते हैं कैंसर सेल, ये उनके लिए काम करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और इसमें नो एंटीबॉडीज, इसमें कोई एंटीबॉडीज सीक्रेट नहीं होते। फिर टी लिम्फोसाइट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं हेल्पर टी सेल, टीएच मतलब हेल्पर टी सेल, अभी बताऊंगा कि अभी आप सिंपल सी बातें कुछ याद रख लें। इसके अलावा हेल्पर टी सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, सप्रेसर टी सेल होते हैं, टीएच सप्रेसर टी सेल, टीसी साइटोटॉक्सिक टी सेल, एचटी टीएच हेल्पर टी सेल, और एक मेमोरी टी सेल भी होते हैं, टीएम कह देता हूं। ये बात मैंने जनरली आपके बुक के पॉइंट बता दी, अब मैं आपको थोड़ा असल बात बताता हूँ, इधर आ जा। अब क्या होता है, ये देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका ब्लड वेसल्स है, इनमें आ गए बैक्टीरिया। अब इन बैक्टीरिया को खाने के लिए आए आपके न्यूट्रोफिल, मगर ये बैक्टीरिया कुछ खतरनाक किस्म के थे, इन्होंने तो कुछ टॉक्सिक रिलीज किया और न्यूट्रोफिल के पकड़ने में ये नहीं आए। उसके अलावा फिर मैक्रोफेज आए, मैक्रोफेज ने फिर क्या किया, इनमें से कुछ तो अंदर जाके छुप गए, या कुछ वायरस भी अगर आए तो इन वायरस को भी सही तरीके से ये पकड़ नहीं पाया। अब फिर क्या हुआ, कुछ मैक्रोफेज ने क्या किया, आपकी बुक में क्योंकि मैक्रोफेज दिया हुआ है, जबकि ये मैक्रोफेज नहीं होता, ये एक मतलब अब देखो ये न्यूट्रोफिल भी सही तरह से काम नहीं कर पा रहे, ये मैक्रोफेज भी नहीं है। अब ये कहते हैं कि ये स्पेशल फोर्स को जो है वो कहते हैं कि अब स्पेशल फोर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे काबू में तो आ नहीं रहे वायरस और बैक्टीरिया। अब क्या होता है, ये फिर बुलाते हैं अपने स्पेशल फोर्स वाले, अब उसको भी आपकी बॉडी में खास किस्म का मैक्रोफेजी समझ लें, वैसे तो वो एक डेंड्रोसाइट्स कुछ कहते हैं उनको, लेकिन ये एक तरीके का आपकी बुक में क्योंकि मैक्रोफेज लिखा है तो आप मैक्रोफेजी समझ लें। अभी बड़े साइज का एक मैक्रोफेज आता है, ये आ गया मैक्रोफेज,
अभी इनकी मदद करने के लिए आया है। अभी इनकी मदद करने के लिए क्या करता है, ये चार पांच बैक्टीरिया को एक साथ खा जाता है, और खाने के बाद क्या करता है, इन बैक्टीरिया के जो प्रोटीन होते हैं, इन बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को अपने ऊपर सजा लेता है। बैक्टीरिया के जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो प्रोटीन होते हैं बॉडी पार्ट्स, ये अपने ऊपर ऐसे सजा लेता है। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीजन, क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन ऐसे लगी हुई है। लेकिन अभी तो बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, ये भी इन बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर सकता। अब ये जाता है, ये मैक्रोफेज, अब इसको कहेंगे एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। मैंने कहा था ना एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल बाद में बताऊंगा, इसको कहेंगे एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स। अब ये जाएगा कहां पर, ये जाएगा लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में जाएगा। लिम्फ नोड में बहुत सारे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे टी लिम्फोसाइट। अब ये जाएगा लिम्फ नोड में, और ये टी लिम्फोसाइट, जो बहुत सारे टी लिम्फोसाइट होंगे, ये इनके पास जाएगा और इनसे पूछेगा, इनको बताएगा कि भाई बॉडी के अंदर इस किस्म का जो है वो एंटीजन आया हुआ है, क्या आप इसको किल कर सकते हो। तो ये टी लिम्फोसाइट कहेगा मैं तो नहीं कर सकता इसको किल, मेरे पास इसकी मारने की एबिलिटी मौजूद नहीं है। ये दूसरे के पास जाएगा, आप इसको किल कर सकते हो, तो ये कहेगा भाई मेरे पास भी नहीं है एबिलिटी। अब इनमें से बहुत, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं ना, मैंने आपको कहा जो हमारा एडोप्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो हर एंटीजन के खिलाफ नहीं होता, लेकिन मिलियंस तादाद में टी लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं, किसी ना किसी के पास एबिलिटी होगी इसको किल करने की। अब ये इसके पास जब जाता है तो कहता है हाँ मेरे पास इसकी एबिलिटी मौजूद है, मैं इसको जाकर खत्म कर सकता हूँ। तो भाई क्या होता है, ये टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, फिर ये टी लिम्फोसाइट बनाए, फिर टी लिम्फोसाइट अपने जैसे और दूसरे टी लिम्फोसाइट बनाएगा, ये हेल्पर टी सेल बना लेगा, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाएगा, ये मेमोरी टी सेल बनाएगा, सप्रेसर टी सेल बनाएगा, ये बहुत सारे इस तरह के टी सेल्स बना लेगा। फिर ये जो हेल्पर टी सेल है, ये हेल्पर टी सेल इन्हीं एंटीजन को अपने ऊपर लगाएगा, अगर ये बैक्टीरिया की एंटीजन होगी, क्योंकि टी सेल तो ज्यादातर वायरस को किल करता है ना, अगर ये बैक्टीरिया की एंटीजन है तो हेल्पर टी सेल क्या करेगा, इन्हीं एंटीजन को लगा के लेके जाएगा, और ये हेल्पर टी सेल जाएगा बी लिम्फोसाइट्स के पास, ये किसके पास जाएगा, बी लिम्फोसाइट्स के पास, और बी लिम्फोसाइट से कहेगा क्या ये तुम इसको किल कर सकते हो। तो इनमें से भी कुछ बी लिम्फोसाइट तैयार हो जाएंगे इसको किल करने के लिए, और फिर ये जो बी लिम्फोसाइट होंगे, ये बी लिम्फोसाइट भी दो तरह के सेल बनाएंगे, एक प्लाज्मा सेल और दूसरा क्या बनाएंगे, एक और बनाएंगे मेमोरी सेल। अब ये पूरी फोर्स तैयार हो गई, अब इसको किल करने के लिए ये पूरी फोर्स तैयार हो गई, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट तैयार हो गए। इन फोर्स में सबसे पहले तो, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया है तो ये बी लिम्फोसाइट कहेंगे फिलहाल टी लिम्फोसाइट को कहेंगे तुम तो यहीं पर रहो, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। अब इस बी लिम्फोसाइट ने जो प्लाज्मा सेल बनाया होगा, ये प्लाज्मा सेल जाएगा, प्लाज्मा सेल यहां जाएगा, और ये न्यूट्रोफिल और ये खुश हो जाएंगे जब प्लाज्मा सेल यहां पर आ जाएगा ना। अब प्लाज्मा सेल खुद से इनको नहीं खत्म करेगा, अब प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इन प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडीज, ये ऐसी छोटी छोटी प्रोटीन बनाएगा जिनको हम क्या कहेंगे, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इन बैक्टीरिया को पकड़ेंगी सबसे पहले तो, ऐसे ऐसे इनको पकड़ के एक जगह जमा करेंगी, क्योंकि ये मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल के हाथ में नहीं आ रहे थे, इनको ऐसे पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद क्या करेंगी, फिर ये रेड फ्लैग यहाँ पर शो करेंगी, और ये मैक्रोफेज को दावत देंगी अब आ जाओ इधर, मैक्रोफेज को दावत देंगी आ जाओ इधर, और मैक्रोफेज आकर इनको खा जाएगा, मैक्रोफेज आकर इनको क्या करेगा, खा जाएगा। अच्छा, अभी और बैक्टीरिया यहाँ पर भी मौजूद है, दूसरे बैक्टीरिया भी पूरे खत्म नहीं हुए, और भी बैक्टीरिया है, लेकिन ये जो प्लाज्मा सेल है ना, ये थोड़ा अब सुस्त पड़ना शुरू हो जाएगा, थकना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको थकने नहीं देंगे, ये हेल्पर टी सेल दोबारा इसके पास आएंगे, ये कुछ केमिकल रिलीज करके फिर इसको एक्टिव करेंगे, ये फिर एंटीबॉडीज बनाएगा, और एंटीबॉडीज जाकर फिर इस बैक्टीरिया को जो है वो पकड़ेंगी, और फिर मैक्रोफेज इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो इस तरीके से ये आपकी जो लड़ाई है, एक तरीके से, ये तरीके से जैसे ना वर्ल्ड वार हो रही हो, इस तरह की वर्ल्ड वार हो यहाँ पर होती है। फिर क्या करेगा ये, इसको सारे बैक्टीरिया को यहाँ पर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और फिर ये आखिर के अंदर जो है वो सप्रेसर टी सेल होते हैं। सप्रेसर टी सेल्स का मतलब क्या होता है, जब इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स पूरा जो है वो जब खत्म हो गया, बैक्टीरिया खत्म हो गए, तो सप्रेसर टी सेल क्या करेंगे, इस पूरे ये जो इम्यून रिस्पॉन्स था यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। लेकिन मेमोरी टी सेल्स जो थे यहाँ पर, जो मेमोरी टी सेल, मेमोरी बी सेल्स से, उनका काम क्या होगा, उनका काम ये होता है कि वो मेमोरी बी सेल के पास मेमोरी होती है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा बैक्टीरिया दाखिल होगा
तो फिर इसको प्लाज्मा सेल बनाने की जरूरत नहीं होगी, मेमोरी बी सेल डायरेक्ट एंटीबॉडीज जो है वो क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे और उसको वहीं रोक देंगे। सेकेंड टाइम अगर ये बैक्टीरिया दाखिल हुआ तो मेमोरी सेल के पास पहले से मेमोरी मौजूद है। बात क्लियर हो रही है? जी सर। अच्छा अब इधर देखो, ये तो बी सेल ने तो बैक्टीरिया को किल कर दिया, अब क्या होता है फिर टी सेल्स क्या करते हैं? टी सेल्स का असल में ये काम होता है, मिसाल के तौर पे कोई वायरस दाखिल हो गया, या हमारी जो है वो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो कोई वायरस दाखिल हुआ, और वायरस ने क्या किया, वायरस ने जो है वो यहाँ पर हमारे सेल्स को जो इन्फेक्टेड कर दिया। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम ये होता है कि वो इसके करीब आते हैं और वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं वो टॉक्सिसिटी रिलीज कर इस वायरली इन्फेक्टेड सेल को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। वो ऐसे ही नेचुरल किलर सेल की तरह या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इंटरफेरॉन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की तरह इसको क्या करेंगे, ये इसको खत्म कर देते हैं। कौन से वाले सी सेल, कौन से वाले टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब आपको समझ में आना चाहिए, हेल्पर टी सेल जो है वो क्या कर रहे थे, वो हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करके रखते हैं। ये मैक्रोफेज को भी एक्टिव कर देते हैं कि खाके उसको खाए, बी सेल्स को भी एक्टिव रखते हैं, तो हेल्पर टी सेल। अब आप देखो एड्स का वायरस इतना खतरनाक क्यों होता है, असल में खतरनाक इस वजह से होता है कि वो क्या करता है, हमारे हेल्पर टी सेल्स को ही किल कर देता है, और हमारा पूरा इम्यून सिस्टम तो हेल्पर टी सेल ही संभाले बैठे होते हैं। और फिर सप्रेसर टी सेल का काम क्या होता है, सप्रेसर टी सेल ये काम करते हैं जब इम्यून सिस्टम मतलब सारा वायरस वगैरह खत्म हो गए तो इस रिस्पॉन्स को फिर वक्ती तौर पर बंद कर देते हैं कि अभी जो है वो ये वॉर जो है वो खत्म हो चुकी है। इसके अलावा जो है वो मेमोरी टी सेल क्या करते हैं, अपने अंदर मेमोरी स्टोर करके रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा आएगा तो वो उसको दोबारा उसी तरीके से खत्म करेंगे। तो ये चीज थी। अच्छा इसके अलावा एक और चीज भी आपकी बुक में दी हुई है, इसको मैं आपको सिर्फ इतना सा बता देता हूँ, कुछ हमारे जो है वो हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे साइटो, एक हमारे पास जो हार्मोन होता है इसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन, साइटोकाइन, साइटो